कन्नौज में पुलिस के निर्देशन में थाना बिल्हौर कानपुर नगर में चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चुराए हुए सामान को बरामद किया गया। 14 जून को अहरौल कस्बा थाना बिल्हौर में एक डकैती पड़ी थी, तो उससे संबंधित 3 अभियुक्तों को जो कि कन्नौज के निवासी थे, पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया था। उनके पास से करीब 53 लाख की जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, लूट की संपत्ति, ज्वेलरी सोने और चांदी की, वो बरामद किया था, असलहे बरामद किए। उसके पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के नाम भी पता चले थे, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और लापरवाह सूचना मिलने के बाद कल 2 अभियुक्त आमिर और राशिद, ये शेखाना कन्नौज के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 297 ग्राम स्वर्ण आभूषण और 19 किलो 747 ग्राम चांदी के आभूषण, एक टाटा सफारी कार, 2 तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस, ये बरामद हुआ है। इस टीम में हमारे प्रभारी निरीक्षक कन्नौज, चौकी इंचार्ज राहुल शर्मा, स्वाट प्रभारी और राकेश कुमार सिंह, और सर्विलांस प्रभारी शैलेंद्र, और उनकी जो टीम के सदस्य हैं ये लोग लगे हुए थे। और जो आज आभूषण मिले हैं तो उसकी कीमत लगभग 35 लाख के आसपास है, और इनसे जो पूछताछ हुई है उसके आधार पे जो थाना बिल्हौर कानपुर नगर की पुलिस है आगे की विवेचना करेगी, इसको अभी हम लोग जेल रवाना। सर, अभी तक पूरे इस मामले में लगभग कितने की रिकवरी हो चुकी है पूरी ओवरऑल? जो 3 अभियुक्त पकड़े गए थे उनकी रिकवरी थी 53 लाख के आसपास की, और इनके पास से 35 लाख की रिकवरी हुई है। ये जो है, जो आज 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तो इनसे पूरी रिकवरी हम लोग नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या किया है कि उस रिकवरी का एक हिस्सा बेच करके 2 लाख रुपए में एक सफारी कार खरीद ली है, और जो एक भाई इसका है जो आमिर, उसने गुरसहायगंज में एक मकान खरीद लिया है, और ये बड़े चालाकी से काम कर रहे थे। कई शहरों में घूम करके इस बीच में छोटा छोटा पार्ट ले जा करके और खपाए। इनको भनक लग गई थी जब पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से बहुत सावधानी बरत रहे थे और छोटी छोटी मात्रा में कई जगहों में घूम करके इन्होंने उसको खपाया है और रजिस्ट्री कराई है। तो सर, गैंग के कुछ अभी और भी सदस्य बाकी हैं गिरफ्तारी के? अभी जो लापरवाह सूचना मिली हुई है उस पर हम लोग और कानपुर पुलिस दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, आगे और भी कार्रवाई। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में रेलवे स्टेशन के पास एक नाले की सफाई के मामले में आसपास के पड़ोसियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि मुख्यालय के चंद कदमों की दूरी पर अम्बेडकर नगर स्थित एक नाले में पूरे मोहल्ले का कूड़ा कचरा एकत्रित होने के बाद नाला चौक हो गया था, जिससे मौसमी बरसात की वजह से लोगों में काफी नाराजगी व्यक्त। मोहल्ले में एक समाज सेवी RS कठेरिया भी नाराज हुए और संबंधित ग्राम प्रधान व सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध आवाज उठाई और संबंधित अधिकारी घर से नाले की सफाई करने की गुहार लगाई। जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है कि इस समय एक समस्या चल रही है कि पूरे देश में, क्या पूरे प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ी बीमारी है, कोरोना महामारी को लेकर सबसे बड़ी बीमारी है, जिससे कि जनता हर तरीके से परेशान है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी तरीके से हमारा जनता सुकून ले, लेकिन नहीं, बरसात हो जाने पर भी एक दूसरी बीमारी इस कोरोना जैसी महामारी का रूप ले सकती है, क्योंकि हम कन्नौज सदर के सरायमीरा क्षेत्र, जो कि बहुत घनी आबादी है और घनी बस्ती है, हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, तो पूरे सरायमीरा का पानी जो है इस तालाब में, तालाब नुमा रूप में इकट्ठा होता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने का प्रयास करें। इसमें डेंगू के मच्छर लार्वा उत्पन्न होंगे, वहीं कोरोना जैसी महामारी तो पीछे रह जाएगी, मलेरिया, डायबिटीज, फाइलेरिया, कितनी भी प्रकार की अन्य महामारी रूप ले सकती हैं। और यही नाला जाता है यहाँ से वहाँ तक, देखिए, और वहाँ तक जाता है, लेकिन
लेकिन किसी की कमी के कारण ये नाला वहाँ से बंद कर दिया गया। जब इन लोगों ने हमारे जो है जो भावी प्रत्याशी हैं भाजपा के आरएस कठेरिया जी, उन्होंने या जनता के सहयोग से उन्होंने हमारे उच्च अधिकारियों की, जबकि यहाँ से कलेक्टर की दूरी मात्र 500 मीटर के अंदर की है। संभावित प्रत्याशी भावी प्रत्याशी जो हैं तस किया, उनके प्रयास में यह हुआ कि वहाँ से नाला थोड़ा खोला गया, लेकिन वहाँ से थोड़ा बाईपास दिया गया, लेकिन वही डंप है। यानी कि जब नगर पालिका या ग्राम प्रधान के अंदर, लेकिन ग्राम प्रधान जब गौर नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर की जरा बस्ती का हाल दिखाइए, देखिए इधर के बस्ती के हाल, पूरी घनी आबादी है। यहीं से थोड़ी दूरी पर इन दीवारों को पार करके लगी हुई है हमारी जनपद का मुख्यालय, जिसे बोलते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस। खोपड़ी पे है यह हाल, खोपड़ी पे यह हाल। और इधर जरा पश्चिम साइड भी दिखाइए आप, नाले मिट्टी निकाल के सड़क पे डाल दी, रास्ता जाम हो। और दूसरी समस्या यह उत्पन्न हुई, देखिए ये देखिए, ये देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई कि इसकी सिल्ट निकाल के रोड पे डाल दी, रोड भी पूरा ब्लॉक है, रोड पूरा ब्लॉक है। आप लंबे से दिखाइए, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा लंबे तक दिखाइए निगाह, देखिए रोड कहाँ से खुली है, जबकि ये चक्रोड है, ये चक्रोड है, कहाँ से खुली हुई है, पूरा रोड पूरी तरीके से बंद हुआ है, कहीं से कोई भी कहीं निकलने की व्यवस्था नहीं है। बिना वजह जनता को परेशानी होती है, हर तरीके से प्रशासन मौन है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, आखिर प्रधान कर क्या रहा है, क्या प्रशासन 500 मीटर की दूरी पर बैठ के आपको अपने जनपद मुख्यालय के पड़ोस की खबर का हाल नहीं है? अरे कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार है, ये डेंगू के मच्छर से कौन निपटेगा? हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यहाँ के रहने वाले निवासी, उनसे जानना चाहूँगा कि आपको परेशानी क्या है, आप लोगों की आपका क्षेत्र है, आप तो संभावित प्रत्याशी हैं यहाँ के, और आपका कर्तव्य है कि जनता के प्रति आपका निष्ठावान रहना, क्या दिक्कत है और आपने क्या प्रयास किया जनता के लिए? सबसे पहले तो हम आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, कम से कम इतनी बड़ी समस्या में, अलग हमारी पार्टी भी इस मामले में प्रयासरत है, कई बार प्रयासरत हुए, लेकिन यहाँ पर दो पार्टी आपस में डिस्प्यूट होने के कारण वो एक पर बंद कर दिया है। मतलब वो पार्टी कौन सी है सर जी? वो सौरभ कटियार वगैरह हैं, यानी वो भी बीजेपी के हैं। हाँ, वो डिस्प्यूटेड मैटर है जी, तो वो बंद, यानी पार्टी बंदी का पार्टी में ही नहीं, पार्टी से नहीं, वो पर्सनल मामला दूसरा है उनका आपस में। अच्छा, तो उस चीज को लेके जब जनता ने अपनी बात तहसील डीएम साहब के सामने में, तो बाकायदा उन्होंने लेखपाल साहब को भेजा कि क्या उसका हल हो सकता है। तो उसमें ये हुआ कि जो चक्रोड पड़ा उसमें पाइप डाल के आगे जो नाला उससे जोड़ दिया जाए, तो ये समस्या हो जाएगी। प्रधान साहब से भी, प्रधान साहब थोड़ा सुस्त हैं, उन्होंने मिट्टी इसकी निकलवा के रोड पे करवा दी, जिससे इसमें हजारों आदमी जो निकलता था, बच्चे निकलते थे, ट्रैक्टर मोटर किसानों, सारा काम रुक गया है। तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है, और जो भी प्रयास होता है आपकी तरफ से क्या प्रयास हुआ? हम लोग बाकायदा जो है जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ला दिया गया कि ये समस्या है। कलेक्टर तो आपके दूरी से 500 मीटर के अंदर में क्षेत्र होता, उन्होंने लेखपाल साहब को भेजा था जी, मौके पर मुआयना किया, मौके पर मुआयना हुआ, उसका ये है कि चक्रोड के पाइप डाल के किसी के डिस्प्यूटेड मैटर न छेड़ा जाए और जनता की समस्या भी हल हो जाए। सबसे बड़ी बात है नेताजी, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, और इस समय देश सबसे बड़ी बीमारी से गुजर रहा है जिसे कहते हैं कोरोना, ठीक है, उससे जनता परेशान भी है, और सबसे ज़्यादा किसान मजदूर परेशान हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ नेताजी कि जिससे जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और एक नई बीमारी जिस तरीके से ये जल संरक्षण हुआ है, देखिए जिस तरीके से जल संरक्षण हुआ है, क्या इसमें मलेरिया के लार्वा नहीं पैदा होंगे? नहीं नहीं, वो है, ये समस्या आज की नहीं, 3 साल से चल रही है, तो उसके लिए कई बार प्रयास किए। आपकी सरकार है, आप तो बीजेपी के हैं। नहीं, सरकार है, हम लोग प्रयास रहते हैं, लेकिन अब कोई जब कोई लीगल मैटर फंसा हुआ है उसमें, तो उसका हल निकल गया, डीएम साहब ने भेजा, और ये हुआ कि चक्रोड हमारे उसमें पाइप डाल के आगे नाले से जोड़ दिया जाए, पास किया, तब ये समस्या है। अब ये है कि थोड़ा विलम्ब जरूर हो, तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से कहा भी है कि इस समय इसमें जनता परेशान बहुत है। इस समय तो आपके कन्नौज के सांसद, आपके कन्नौज घर के हैं सुब्रत पाठक जी हैं, क्या उनको आपने समस्या से
वो सबकी नॉलेज में है, इसीलिए उस लाइन में प्रयास हुआ। बाकायदा इसका लेखपाल जी अपना सर्वे कर निरीक्षण कर गए, प्रधान जी को बुलाया गया, प्रधान जी का हमारे पास बजट नहीं है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो सीडीओ सरकार कहती है कि मैंने गांव के विकास के लिए इतने लाख रुपए दिए हैं और कोरोना महामारी को लेकर इतने लाख रुपए दिए हैं और प्रचार के लिए इतने लाख रुपए दिए हैं और दवा छिड़काव के लिए सैनिटाइजर के लिए मैंने इतना पैसा दिया है। इस तरीके से सबसे बड़ी बात है नेताजी कि सबसे बड़ी बात सौ बात की एक बात है, सरकार बीजेपी की चल रही है और आप हमारे साथ थे बीजी कन्नौज विधानसभा से लड़ने वाले आर एस कठेरिया जी और आप पूरा प्रयास भी कर रहे हैं कन्नौज से। कन्नौज से KKD न्यूज संवाददाता सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट।